हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप रेफ्रिजरेटर ऑनलाइन से लेना चाहते हो, यानी कि आप ये उम्मीद में हो कि ऑनलाइन से परचेस करोगे और सैमसंग का हो या कोई भी कंपनी का हो, तो सबसे पहले ये वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिटेल में बताया हूँ और डिटेल में अनबॉक्सिंग के साथ साथ रिव्यू भी आपको बताऊँगा। तो काइंडली वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिए, और वीडियो देखने से पहले मैं आपको बताया था, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जो है उसको ऑल पे सेटिंग कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों। तो चलिए वीडियो को पूरी देखते हैं। तापर मिसरूट कथा मुझे टोटाल जाणी ही नी मिसरूट कौन भाई मत कह भाई मो ओटी फुटी पीछे आसो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे जो रेफ्रिजरेटर है वो ऑलरेडी मुझे डिलीवर हो चुका है। तो ये सैमसंग का रेफ्रिजरेटर है और 225 लीटर रेफ्रिजरेटर है, और इसका डिटेल मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। और ये जो रेफ्रिजरेटर मुझे डिलीवर हुआ तब भी जो डिलीवरी बॉय है मुझे मतलब फ्रीज के साथ साथ मेरा भी फोटो वो प्रूफ के लिए लिया। दोस्तों यहाँ पे जो है मैं ऑलरेडी सारी डिटेल जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके आप चेक कर सकते हो। बाकी यहाँ पे रेफ्रिजरेटर जो है आप कुछ इसी तरह आपको देखेगा बॉक्स में लाते हो, यहाँ पे बैक साइड है, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन होगा सारी चीज़ें आपको। यहाँ पे बॉक्स जो है दोस्तों बता देता हूँ, बॉक्स जो है वो इतना अच्छा नहीं था। बॉक्स में कई सारी जगह जो है मतलब खरोच आई थी, मतलब यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे, और यहाँ पे पावर गाइड और पावर कंजप्शन कैसे वगैरह करता है सारी मेंशन है। यहाँ पे 134 यूनिट पर ईयर ये कंज्यूम करता है, 4 स्टार रेफ्रिजरेटर ये है। और हाँ, फीस के बारे में बताता हूँ, रेफ्रिजरेटर जो है वो सैमसंग का रेफ्रिजरेटर है और पैराडाइज ब्लू कलर का है, और ये रेफ्रिजरेटर है 225 लीटर डीजी टच कंट्रोल के साथ आता है, और ये मार्केट में इसका प्राइस है 22,000 समथिंग, और इस ये आपको ऑनलाइन पर मिल जाएगा 19,990 रुपये में। तो चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी एक मतलब होल है, पता नहीं अंदर से क्या होगा। तो यहाँ पे रेफ्रिजरेटर और यहाँ पे वगैरह वगैरह सारे कुछ सारी डिटेल लिखा गया है, और ऊपर पैकिंग मतलब पैकेज जो है ना वो उतना अच्छा नहीं था। तो चलिए इसके साथ साथ हम ओपन करते हैं बॉक्स को, और बॉक्स को सबसे पहले ओपन करने के लिए जो वो जो दो स्ट्रिप होता है उसको हटाना पड़ता है। दो स्ट्रिप हटाने के बाद आपको ये बॉक्स को ऊपर करना पड़ेगा, तब भी जाके ये ओपन होगा। और देखिए जो फ्रिज जो है वो कुछ इसी तरह है, कुछ थर्मोकोल आपको मिल जाएगा जो कि रेफ्रिजरेटर के मतलब प्रोटेक्शन के लिए आता है। और ये सब अगर देखिए चीज़ें, यह होता है कि अगर आप फ्रिज ऑर्डर करते हो ऑनलाइन से, अगर डिलीवरी सही से नहीं होता है, मतलब डिलीवरी बॉय या कुरियर एजेंट जो होते हैं वो सही से पिकअप नहीं करते हैं, तो उसी की वजह से प्रोडक्ट जो है आपका डैमेज होता है, और उसी के लिए मतलब बहुत सारे कस्टमर जो है वो नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर आप ऑनलाइन से ऑर्डर करोगे कम प्राइस में मिल जाएगा, लेकिन डिलीवरी अगर अच्छा नहीं होगा तो प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा। तो ये बात है। और यहाँ पे आपको देख पा रहे हो ये है फ्रंट सेक्शन, और यहाँ पे कुछ मतलब ये टेप वगैरह लगा हुआ है, और ये बैक साइड, और इसी में दिक्कत है, मैं आपको वीडियो में बाद में बताऊँगा। देखिए यहाँ पर आपको शायद दिखा नहीं हो रहा है, देखिए यहाँ पर, और ये साइड है, और ये बाकी बैक साइड है। और देखिए यहाँ पे जो है मतलब एक प्रॉब्लम है, मतलब ये एक किसी तरह डैमेज हो गया है यहाँ पे, यहाँ पे दोस्तों एक डैमेज हो गया है देखिए। तो बस ये था कुछ बातें, और ये बैक साइड, और ये है मतलब राइट साइड फ्रीज का, और यहाँ पे कुछ चिपका हुआ है, पता नहीं क्या है ये। और यहाँ पे देखिए बहुत सारी धूल मिट्टी वगैरह, जैसे मतलब यहाँ पे कुछ लिक्विड वगैरह यहाँ पे लगा है। तो देखिए ये कंप्रेसर, यहाँ पे कुछ लिक्विड वगैरह लगा है, और यहाँ पे कुछ पेस्टिंग वगैरह शायद है कुछ, और कहीं पे तो डैमेज मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो ये है मतलब जो ड्रेन वाटर होता है ना वो इसी में आएगा, ड्रेन वाटर। तो फ्रीज जो है वो दिखने में बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो डैमेज की वजह से मैं फ्रीज को रिटर्न करने वाला हूँ, क्योंकि पैसा देने के बाद अगर छोटी सी खरोच भी आएगा ना तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि नया चीज़ें है। तो बाकी ऊपर आपको बस प्लेन मिल जाएगा, ऊपर में आपको कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे जो डोर है, डोर भी नीट एंड क्लीन है, कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें, एक स्क्रैचेस भी नहीं है। और ये एक बेस ड्रॉयर है नीचे में, बाकी ये तो पिछला हिस्सा है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। बात ये है कि अगर आप, मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप ऑनलाइन से परचेस करना चाहते हो और अगर आप सिटी से बिलोंग्स करते हो, यानी कि विलेज में नहीं जैसे कि मेरी तरह, तो आप ऑनलाइन से परचेस कीजिए, ऑफलाइन की तरफ मत जाइए,
क्योंकि विलेज में क्या होता है ना, डिलीवरी के बाद आपको अब खुद को लाना पड़ता है घर के अंदर, तो उसी की वजह से बहुत सारी दिक्कतें होने लगती है। लेकिन क्योंकि सिटी में अगर आप हो तो वो लोग आपको घर घर के अंदर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप रिटर्न कर सकते हो, वो भी जल्दी हो जाता है। क्योंकि अगर आप गांव में बिलोंग्स करते हो तो उसी की वजह से रिटर्न और रिफंड की प्रोसेस जो है वो बहुत धीमी हो जाती है, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ें हैं तो उसको लाने और फिर से दोबारा रिटर्न करने में बहुत सारी दिक्कत आएंगे। और ये है फ्रिज का इंटीरियर सेक्शन और ये है फ्रीजर सेक्शन। फ्रीजर सेक्शन जो है बहुत ही अच्छी तरह से बनाया गया है, क्योंकि इसका जो डिजिटल कंट्रोल है वो बाहर की तरफ दिया गया है। और ये फ्रीजर सेक्शन में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये बहुत ही कूल लग रहा है, ये जो मतलब दिख रहा है, तो उसी की वजह से ये फ्रीजर सेक्शन में ऊपर कुछ होल वगैरह है, तो ये छोटा सा लाइट है, मतलब एक इंडिकेटर है जो कि, तो इसको बस यही। और ये नीचे वाला ट्रे है दोस्तों। फ्रीज़र का जो है ना, मतलब इंटीरियर सेक्शन जो बोलते हैं, बहुत ही अच्छा है। मतलब फ्रीज आपको अंदर से बहुत अच्छा लगेगा, और आपको यहाँ पे 3 ट्रे मिल जाएगा, और ऊपर सेक्शन में आपको फ्रीजर सेक्शन, और नीचे वाले में आपको जो कि है सब्जी रखने के लिए, वो जो सामान रखने के लिए वो आपको मिल जाएगा, और बाकी सारे चीज़ें आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। मतलब क्वालिटी इसका बहुत ही अच्छा है, और ये सैमसंग की तरफ से सर्विस जो है वो बहुत ही अच्छा। और अगर आप, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप रूरल में रहते हो तो सैमसंग का सर्विस आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा, क्योंकि सैमसंग का सर्विस इंडिया में बहुत ही अच्छा है, मेरा एक्सपीरियंस है ये। और आपको पता नहीं, मतलब किसी के साथ बुरा होता है, किसी के साथ भला होता है, तो डिपेंड अपॉन, मतलब वेरीज अपॉन मैन टू मैन। तो इसके साथ एक आइस ट्रे भी दिया गया था, एक ही आइस ट्रे दिया गया था दोस्तों। मैं आपको वीडियो में पहले बता रहा था कि अगर आप ऑनलाइन से ख़रीदना चाहते हो तो क्यों, अगर आप सही रहेगा या नहीं रहेगा वो आपको मैं आज बताऊंगा। देखिए, एक तो बात हो गई, अगर आप ऑनलाइन से ख़रीदना चाहते हो तो आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आप सिटी में हो, यानी कि अगर रेफ्रिजरेटर आपके पास आता है तो तुरंत रिटर्न हो सकता है या नहीं। अगर आप विलेज में रहते हो तो ऑनलाइन से ख़रीदना मैं आपको प्रीफर नहीं करूँगा, आप स्टोर में जाके, चाहे वो 2,000 2,500 एक्स्ट्रा लो तो वो अलग बात है, तो उसी से जाके ख़रीद लो। लेकिन ऑनलाइन से अगर आप ख़रीदोगे, अगर रूरल में रहते हो तो वहाँ पे आपको डिलीवरी और रिटर्न वगैरह ये सब करने में बहुत दिक्कत आएगा, जैसे मुझे आ रहा है। तो बेहतर होगा अगर आप सिटी में रहते हो तो ऑनलाइन से प्रीफर करिए, अगर आप रूरल में रहते हो तो आप ऑफलाइन से प्रीफर करिए, बेहतर रहेगा। तो बस ये थी कुछ बातें रेफ्रिजरेटर के बारे में, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। थैंक यू।